बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ब्लॉग अल्लाह पाक के करम और फजल से शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं लोग खैरियत से होंगे। इस टाइम 8 बजने वाले हैं और मैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ। वहाँ पे साइन वगैरह करने हैं। जो बाइक्स हम ले रहे हैं तो वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन होती है। तो आजकल ये है कि जो भी कंपनी ले रही है या उसका मैनेजर है या उसका जो मंदूब है ऑनर है वो आए और वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट वाले से जाके मिले और वो तस्दीक करते हैं कि वाकई ये जो बाइक्स ले रहे हैं ये कंपनी काम कर रही है और बंदा आया हुआ है। इसके पीछे काफ़ी सारी वजूहात हैं और कुछ कंपनियां तो बंदे मंगवाती थी, लाइसेंस उठवा दिया, काम पे नहीं लगाया, या वहाँ से मंगवा लेते थे तो यहाँ पर काम पर नहीं लगाया, या लाइसेंस नहीं उठाया, आईडी नहीं बनाई, मोटरसाइकिल नहीं लेके दिए, मोटरसाइकिल लेके दिए तो बहुत और काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये सख्ती हुई है। और काफ़ी सारे एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं जिनका कोई वली वारिस नहीं था, पीछे कुछ आने वाले नहीं थे, या जिनकी डेथ हुई है कोई उनको पूछने वाला नहीं था, तो सब कुछ फिर गवर्नमेंट को करना पड़ा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है। कतर गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी जो पॉलिसीज़ हैं वो चेंज की हैं, लाइसेंस बंद कर दिए हैं, उनको दिए रहे हैं जिनकी डिलीवरी सर्विस की कंपनी है, जिनकी कैटेगरी है। तो 8 बजे का टाइम था ट्रैफिक डिपार्टमेंट वाले के पास जाने के लिए, तो मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। ये है भी करीब, इतना दूर नहीं है, तो इंशाल्लाह वहाँ जाके आप लोगों को मैं अपडेट देता हूँ। यार अल्हम्दुलिल्लाह काम डन हो गया और बाइक्स यहाँ से क्लियर हो चुकी हैं। अब इनके नंबर लग रहे हैं और इनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है मेरी कंपनी के नाम पे। फिर ये वापस जाएंगी और मैंने इनको बोला है कि मैंने कहा आज मुझे डिलीवरी दे दें, क्योंकि कल जुम्मा है, फ्राइडे है, तो आप लोगों को छुट्टी होगी और आप लोगों ने मुझे डिलीवरी नहीं देनी। और मैंने लड़कों को तैयार करना है, बॉक्स लगवाने हैं तो बॉक्स लग जाएंगे। तो उसने बोला चले ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, इंशाल्लाह रात को हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, मसला नहीं है, रात को करवा दें। तो अभी फ़िलहाल मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बल्कि ऑफिस नहीं, मैंने जाना है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और वहाँ से फिर मैं जाऊँगा जी ऑफिस। मैंने अपना कंप्यूटर कार्ड उठाना है नया वाला, मिनिस्ट्री जा कर फिर ऑफिस जाऊँगा। मैं फिर अपडेट देता हूँ। फिर मिनिस्ट्री से मैं बाहर निकल रहा हूँ और जो कंप्यूटर कार्ड था वो मेरा न्यू हो गया, नया मुझे मिल गया, पहले वो एक्सपायर हो गया था, तो उसकी फीस मैंने भरी हुई थी। टाइम नहीं मिल रहा था, आज मैंने सोचा यार ले लो, क्योंकि काफ़ी टाइम, काफ़ी काम ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर कार्ड दिखाना पड़ता है, और उसके बगैर फिर ये लोग काम नहीं करते हैं, इसलिए उसकी ज़रूरत थी। मैंने सोचा चलो ले लेते हैं। तभी वो ले के मैं ऑफिस जा रहा हूँ, एक दो बंदों की सैलरी पेंडिंग है वो करनी है, और उसके बाद रूम जो बिल्डिंग ली हुई है उसको पैसे देने हैं, ऑफिस रेंट देना है, और फिर बाकी सबको पैसे दे दिए। वो कंफ्यूज हो रहा है कि शायद वो गलत जा रहा है लेकिन मैं गलत जा रहा हूँ, मैंने 90 मारी है। तो फिर इंशाल्लाह ऑफिस जाके मैं आपको अपडेट देता हूँ। यार मैं ऑफिस से बाहर निकल रहा हूँ और रूम की तरफ जा रहा हूँ। पूरी सीट दे रहा मैं, और अभी मुझे बाइक वाले की कॉल आई थी कि बाइक डिलीवरी के लिए रेडी है, तो थोड़ी सी गंदी है, मतलब ये कि मैली है, थोड़ा धूल मिट्टी लग गया, तो क्या डिलीवर करवा दूं या फिर धुलवा के भेजूं। तो मैंने कहा नहीं, अभी ऐसे भेज दो, मैं लोगों को कहूँगा साफ़ कर देगा, नहीं तो फिर उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। अभी टाइम है मेरे पास, अपने लड़कों को ट्रेनिंग के लिए भेज सकता हूँ, 3 बजे ट्रेनिंग होती है, तो उसके बाद फिर आज के आज बॉक्स लगवा देता हूँ, कल इनके इंशाल्लाह आईडी बन जाएंगे, तो परसों से ये फिर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो अभी मैं रूम पे जा रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ। पहले एक आएगा डिलीवरी, फिर उसके बाद दूसरी, तो एक को जो है वो नंबर प्लेट्स और इस्तेमारा वगैरह उनका बन गया, तो फिर उसके बाद फिर दूसरी डिलीवरी आएगी। वो टोटल 12 बाइक्स हैं
किस की जो है वो गाड़ी पे आ रहे हैं, इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ उस पर। यार बाइक्स हमारी आ चुकी हैं और हाय हाउ यू मुझे गुड बिफोर आया बिफोर ओके थैंक यू सो अनलोड हियर ओके यस बाय आर यू या यू गो एंड टेक इट देयर हाँ बाइक्स आ चुकी हैं और टोटल 12 बाइक्स हैं, 6 इस पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 6 ये हैं और 6 जो हैं वो दूसरी साइड पे हैं। कोशिश कर रहा हूँ आज इनकी ज्वाइनिंग हो जाए, ट्रेनिंग हो जाए, तो बाकी इनके डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, वो मैं कल करवा लूँगा, लेकिन फ़िलहाल यही कोशिश है इनकी जल्दी से जल्दी सबसे पहले ट्रेनिंग हो जाए। सबसे पहले फ्यूल कराएंगे, फ्यूल करा के फिर इनको मैं ऑफिस ले जाता हूँ, वहाँ पे ट्रेनिंग कराता हूँ। फ़िलहाल ये बाइक उतरनी है और उतार के फिर वहाँ पर खड़ी करते हैं, बाइक्स उतारने की कोशिश कर रहे हैं। सामने को कुछ उनको फंस रहा है, उडाला वगैरह लग की गई है, जिन्होंने लाइसेंस उठाया हुआ और फिर उनको सबको अपने की बाइक देते हैं, उनकी फीलिंग करवाते हैं, तो कल इंशाल्लाह बक्स लगवा के फिर उनको काम पर देते हैं। ये उठा लेगा, ये पलवान पलवान। बाइक उतरना स्टार्ट हो गई, इसमें थोड़ा सा फ्यूल होता है कुछ पंप तक जाने का, तो उसके बाद फिर इसकी टंकी हम फुल करवाएंगे। सब पहली गाड़ी उतरना स्टार्ट हो गई है, हाँ कहना हुआ हो तो क्लच दबाओ ना, गियर के अंदर है, स्टार्ट करो स्टार्ट करो स्टार्ट करो। हाँ थोड़ा पीछे करो पीछे, मैं इसको का डॉक्यूमेंट साइन करके दे दूँ फिर अपडेट देता हूँ आपको। गाड़ी उतर चुकी है और ये आगे जाएगी, उसके बाद वो फिर दूसरी जाएगी। बाइक हम मैंने फ़िलहाल यहाँ पे टेम्परेरी लगवा दी है, लेकिन थोड़ा सा इनको हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से दूसरे लड़के गुजर के जाएंगे। दूसरी गाड़ी लग चुकी है, इसके अंदर भी टोटल 6 बाइक्स हैं और ये उतरेगी, अनलोड होगी। साइन मैंने कर दिए बंदे को और वो साइन करवा के चला गया, आगे दूसरी गाड़ी वाले बता रहे हैं उसको। लाइसेंस ओपन है और तो थोड़ी सी अप्रूवल लेनी पड़ती है इससे, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, और अप्रूवल लेके फिर जो है वो एडमिशन हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, 8-10 दिन लग जाते हैं, लेकिन उनके ठीक है हो रहे हैं, उन कंपनीज के हो रहे हैं जिनकी अपनी डिलीवरी सर्विस है। अब ये अनलोड होना स्टार्ट हो गई है,
पैसेंजर टोटल बाइक्स जो हैं वो अनलोड हो गई हैं, गाड़ी खाली हो गई है, 12 बाइक्स हैं। फ्यूल करवाने को ले जाता वो भी सारी बाइक्स जो हैं वो अपनी सुनो और ठीक वाली। ये नए लड़के भी काम पे जाएंगे इंशाल्लाह, उनके सारे प्रोसेस कराते हैं काम के लिए, फ्यूल के लिए स्टार्ट हो गए हैं जाने के लिए, अभी फ्यूल कराएंगे और उसके बाद फिर उनके बॉक्सर में बॉक्सर वहाँ में फिर अभी फ्यूल कराएंगे, फिर शाम को ही अपडेट दूँगा क्योंकि मैं खुद जा रहा हूँ सुनो के ऑफिस में, वहाँ से मेरी यूनिफॉर्म लेनी है और यूनिफॉर्म ले के फिर मैं लड़कों को मैं निकाल कर लूँगा। बंदे फ्यूल के लिए निकल रहे हैं और वो लियाकत बलोच को फॉलो कर रहे हैं, ये राइडर है पीछे दो पीछे, फिर उनको ट्रेनिंग भी देनी है मैंने या एक अब बंदा भेजेंगे ट्रेनिंग के लिए। फिलहाल ये फ्यूल करवा के वापस आएंगे और फिर बॉक्स के लिए तीन तीन चार चार बंदे इकट्ठे जाएंगे। अभी फिर मैं सुनो के ऑफिस जा रहा हूँ, वहाँ से यूनिफॉर्म लेता हूँ दो बंदों की, फिर जो है वो आप लोगों को बताता हूँ, मैं अपडेट देता हूँ। गर्मी बड़ी ज़ोर की है और जाना लाजमी है सुनो के ऑफिस में क्योंकि कल जुम्मा है, फिर लड़के कल की उनकी वो आई हुई है आईडी और सामान उनका मैं नहीं ले गया पा रहा, उनका सामान लाजमी लेना है, उनको ड्यूटी पे जाना है, वो बार बार मुझे कॉल कर रहे हैं। यार सुनो के ऑफिस से यूनिफॉर्म तो मुझे नहीं मिली क्योंकि लास्ट टाइम मैंने दो बाइक राइडर टर्मिनेट किए थे तो वो बोल रहे थे कि उनका मर्चेंडाइजर जो है वो यूज़ करो, तो वो गलती से मैं उनको दे बैठा हूँ क्योंकि वो कंपनी में ना ट्रांसफ़र हुए थे, मैंने उनको टर्मिनेट किया था तो वो एनओसी लेके दूसरी जगह पे चले गए थे, तो उसने बोला उनसे वापस लो और अपने लड़कों को दो। चलिए मैंने लड़के को कॉल किए तो वो दे जाता है, अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो वहाँ पे एक दो काम करने हैं वो करके फिर शाम को वापस आऊँगा मैं। रात का टाइम हो गया और ऑफिस में क्लोज़ करके जा रहा हूँ, आज मेरा इरादा तो यही था सोने का ऑफिस में, लेकिन मसला ये था कि जो लेबर कैंप है ना उसका मैंने रेंट नहीं दिया है और बंदे की बार बार कॉल आ रही है, तो आज 14 तारीख हो गई है उसको रेंट देना है, तो फिर मजबूरी हूँ मुझे जाना पड़ा, और एक चेक भी है जो बैंक में डालना है रफीक की तरफ से मिला है, उनका सबसे बड़ी बीमारी यही है कि वो लोग ट्रांसफ़र नहीं करते हैं चेक देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिले होता है। तो फिर व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, उम्मीद काफ़ी आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, कोई भी क्वेश्चन हो ज़रूर पूछ सकते हैं। इसी के साथ फिर मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह एक नई वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।